मित्रों, मैं आज आपके साथ में इंस्टेंट छोले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। छोले अगर हम घर में आमतौर पर क्या करते हैं, जब अगर छोले बनाने तो एक दिन पहले प्री प्लान करते हैं कि आज भिगोएंगे फिर बनाएंगे। अब मैंने भिगोया नहीं है, मगर अब मुझे लग रहा है कि आज मुझे घर में बनाना चाहिए, या बच्चों की फरमाइश है। तो देखिए, मैंने ये छोले ले लिए, बिल्कुल ऐसे ही निकले। अब इसको हम 2 से 3 बार साफ पानी से धोएंगे। इसको अच्छी तरह मसल मसल के साफ करेंगे और पानी को निकाल करके दूसरे पानी से धोएंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने 3 बार वॉश कर लिए हैं और अब हम इसको अपने कुकर में डाल देते हैं और इसके अंदर उतना पानी डालेंगे जिसमें ये डिप हो जाए। यानी मैंने 1 गिलास डाल दिया, ये सारे छोले जो हैं इसमें भीग चुके हैं। और इसमें नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब, या 3/4 के करीब डाल करके इसको बंद करके 1 विसल देंगे। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें ना मैंने खाने का सोडा डाला, ना कुछ भी नहीं सिवाय नमक और पानी के। फ्रेंड्स, जब तक हमारे छोलों में एक विसल आए, तब तक मैंने ये 3 छोटे प्याज थे उनको इस तरह से छील करके काट लिया। इसको पेस्ट बना लेंगे इसका। और इधर मैंने अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 3 जो है टमाटर लिए हैं। अब इनका भी हम अलग अलग पेस्ट बना लेंगे। इसमें 1 सीटी आ चुकी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसकी गैस को, जो इसमें स्टीम है, वो खुद रिलीज़ होने देंगे। फ्रेंड्स, इसकी पूरी स्टीम जो है रिलीज़ हो चुकी है। अब हम इसको इस पर रख करके इसको खोलते हैं। हम अपने कुकर को खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी 1 स्टीम दी है और अभी कच्चे हैं। अब हम इसमें अपने घर में जो हमारे पास हम बर्फ़ रखते ही हैं, आइस को हम जमा करके रखते हैं, तो उस 1 इतना भर के आइस ले लें और इसमें डाल दें। और इसमें डाल करके इसको बंद करके फिर हम गैस पर रख देते हैं। इसको फ्रेंड्स मैंने गैस पर रख दिया है। अब 1 विसल आने के बाद हम गैस को मीडियम लो गैस पर रख करके फिर इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, 1 विसल आ गई है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर देते हैं और इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारे छोले तैयार हों, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये 3 प्याज उसका पेस्ट बना लिया है, ये अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट है, ये 1 बड़ा चमचा मैंने बेसन, भुना हुआ बेसन है, 1/2 चम्मच जो है वो गरम मसाला है, जीरा 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून जो है इसमें मैं हींग डालूंगी, 2 चम्मच के करीब सूखा धनिया है और रेड चिल्ली पाउडर है, आपके स्वादानुसार लें। और इसमें डालने के लिए ये मैंने लौंग ले ली है 4-5, 2 फूल लिए हैं और ये हमारी दालचीनी स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची ली है मैंने जो खोल ली है उसको, और कुछ काली मिर्च ली है। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म होते इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, हींग, और अब इसमें पहले हम इसमें पकाएंगे हमारा जो प्याज का पेस्ट है। इसी समय इसमें मैं काली मिर्च और हमारा जो भी सूखा मसाला था उसको हम डाल, खड़े मसाले को इसमें डाल देंगे। जब प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाए और आपको लगे कि इसमें तो हल्का ऑयल छोड़ने लगा है, देखिए साइड से निकलने लगा है, अगर छूटने लगा है तो समझिए कि आपका प्याज पक गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा टमाटो पेस्ट। फ्रेंड्स, हमारे छोले जो हैं 20 मिनट के करीब इसमें मीडियम फ्लेम पर पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें जो स्टीम बनी हुई इसको खुद ही रिलीज़ होने देते हैं।
इधर मसाले को देखेंगे। इसको एक्चुअली मसाला पकने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, जब टमाटो हमारा जो पेस्ट है वो भी पक जाए। और देखिए उसमें तेल छोड़ने लगे हल्का हल्का, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें तेल के बबल्स छूटने लगे। तो इसमें अब हम इसमें डालेंगे हमारी लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें हम शुगर भी डाल देंगे एक चम्मच, और धनिया पाउडर, और इसको भी थोड़ा पकाएंगे। इसमें भूनेंगे इसको भी, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हम पहले डाल चुके हैं जब हमने हमारे काबुली चने को जब बॉईल किया उसमें डाल चुके हैं, उतना ही डालिएगा। इसमें अमचूर पाउडर भी डालेंगे, हाफ टी स्पून लिया है मैंने, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप इनकी मात्राएं कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें मिक्स करेंगे हमारा बेसन जो हमने भून करके रखा है। बेसन हमारा भुना हुआ है इसलिए हम इसको अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और इसमें हाफ ग्लास जो है पानी डाल करके और हम इसे उबालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ग्रेवी हमारी बहुत गाढ़ी बनेगी। और अब इसमें हम टमाटो केचप डालूंगी मैं एक चमचे के करीब, गरम मसाला डाल देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो तब तक हम अपने छोले को खोल करके देख लेते हैं। कुकर खोलते हैं, इसकी स्टीम खुद ही अपने आप ही रिलीज हुई है, और हम देखें हमारे छोले, देखिए देखने से ही पता चल रहा है फट चुके हैं, बिल्कुल गल गए हैं। आप इनको अगर देखना चाहें, ये देखिए फ्रेंड्स गर्म है, ये देखिए एकदम अभी बहुत गर्म है, ये देखिए। इस समय आप चाहें तो मैशर से मैश कर लीजिएगा, ये देखिएगा बिल्कुल मैश हो रहा है फ्रेंड्स। ग्रेवी में फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा पतली चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारे छोलों में कम पानी है, आप ग्रेवी के अंदर थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें अब हम अपने छोले मिक्स कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप इंस्टेंट छोले तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने शाम को भिगोए हैं या नहीं, या सुबह भिगोए हैं या नहीं, 5-6 घंटे भिगोए हैं या नहीं, इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट इस तरह से, इस रेसिपी से आप छोले, फर्स्ट क्लास छोले तैयार कर सकते हैं। अब इसको 2 मिनट के करीब थोड़ा मीडियम गैस पर इसको थोड़ा उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हुई है, और बिल्कुल मार्केट जैसे। अब आप इसमें हरा धनिया डालिए, आपकी मर्जी है जो कुछ भी डालिएगा, और ये हमारे छोले तैयार हो गए। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ सबसे पहले ट्राई कीजिएगा, फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।